इमरान सांस रोके गहराई में उतरता चला गया और फिर उसने तेजी से टापू से और दूर जाने के लिए तैरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने पानी से सर बाहर निकाला तो उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर मुसलसल जजीरे के गिर्द फायरिंग कर रहा था, जबकि टापू पर आग भड़की हुई थी। यूं लग रहा था जैसे आतिशफशां फट पड़ा हो। इमरान ने अपने साथियों को देखना शुरू किया और फिर थोड़ी देर बाद जब उसने जजीरे से काफ़ी फासले पर बारी बारी अपने साथियों के सर उभरते और वापस गोता लगाते देखा तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। वो भी हेलीकॉप्टर की फायरिंग रेंज को देखते हुए महफूज फासले पर चले गए थे और फिर काफ़ी देर तक फायरिंग होती रही। इसके बाद फायरिंग बंद हो गई और दोनों हेलीकॉप्टर उसी सिमत वापस चले गए जिधर से आए थे। तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। उसे मालूम था कि अब टापू पर मोटर बोट की राख के सिवा और क्या मिलेगा। वो इस बार वाकई बुरी तरह फंस गए थे। यही सोचता हुआ वो टापू की तरफ तैरता चला गया और थोड़ी देर बाद वो किनारे पर चढ़कर खड़ा हुआ और उसने सबसे पहले अपने कोट की अंदरूनी जेब में मौजूद ऑटोग्राफ मीटर को चेक किया। मीटर तो मौजूद था लेकिन उसके अपने कपड़े पानी की वजह से भारी हो रहे थे और उनमें से पानी अबशार की तरह बह रहा था। उसने कोट उतारा और फिर उसे झटकना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद एक एक करके सारे साथी जजीरे पर पहुंच गए। मेरा ख्याल है अब इस आग से यही फ़ायदा उठाया जा सकता है कि अपने कपड़े सुखा लिए जाएं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो कोट उठाए आग की तरफ बढ़ गया जो अब जजीरे के अंदरूनी हिस्से में मौजूद थी। इमरान साहब अब क्या करें, ये लोग लामहला वापस आएंगे, सफदर ने इंतहाई तफ्तीश भरे लहजे में कहा। अब तो सिवाय अल्लाह ताला से दुआ मांगने के और कुछ नहीं हो सकता। ना ट्रांसमीटर है और ना मोटर बोट, और इस टापू पर तो पीने का पानी भी नहीं होगा और ना ही फल वगैरह, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है अब एक ही सूरत है कि हम लकड़ियों को बेलों से बांधकर किश्ती तैयार करें और यहाँ से निकलें, कैप्टन शकील ने कहा। बेलें कहाँ से आएंगी, इसकी भी तो झाड़ियाँ इस खौफनाक आग में जल चुकी हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा और कैप्टन शकील ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। हेलीकॉप्टर जा चुके थे। इमरान साहब अब एक ही सूरत है कि हम तैरकर यहाँ से दूर किसी और टापू पर पहुँचें और फिर वहाँ से लकड़ी की किश्तियाँ बनाकर आगे कहीं निकलें। यहाँ इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, साले ने कहा। लेकिन कहाँ, यहाँ से करीब तरीन जजीरा भी कम अज़ कम 20 बहरी मील के फासले पर है और समुंदर में गोताखोरी के लिबास के बगैर इतना फासला तैर कर क्रॉस नहीं किया जा सकता, इमरान ने जवाब दिया। ये लोग लामहला चेकिंग के लिए आएंगे, चाहे हेलीकॉप्टर पर आएं चाहे लॉन्च पर, थोड़ी देर बाद आएं या कल सुबह, हमें बहरहाल उनका इंतज़ार करना होगा और फिर हर कीमत पर उनसे लॉन्च या हेलीकॉप्टर हासिल करना होगा, उसके सिवा और कोई चारा नहीं, अचानक कैप्टन शकील ने कहा और सब ने इस बात में सर हिला दिए। लेकिन अगर वो वापस ना आए या उन्होंने यही समझा कि हम यहाँ मौजूद नहीं हैं तो फिर हम कब तक यहाँ उनकी वापसी का इंतज़ार कर सकते हैं। असल बात यह है कि हम दूर की बातें सोचते हैं, हालांकि मसले का हाल हमारी नाक के नीचे मौजूद होता है, इमरान ने जवाब दिया तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। हल, कौन सा हल, सब ने ही हैरत भरे लहजे में कहा। सफदर के हाथ में ट्रांसमीटर वॉच मौजूद है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सफदर ने बेख्तियार तवील सांस लिया। ऐसी वाचेस तो आपके हाथों में भी हैं, मेरे पास कोई अलहदा वाच तो नहीं है लेकिन इनकी रेंज इंतहाई महदूद है, सिर्फ 60-70 मील, बस इससे क्या होगा, सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा। हमारी वाचेस की रेंज वाकई इतनी ही है लेकिन तुम्हारी वाच की रेंज ज़्यादा है और मुझे यकीन है कि इसे और कुछ नहीं तो कवाजा जजीरे से रब्ता किया जा सकता है, दिखाओ मुझे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वहाँ रब्ता करने से क्या फ़ायदा होगा, सफदर ने घड़ी उतारते हुए कहा। तो मुझे घड़ी दिखाओ, कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सफदर ने घड़ी इमरान की तरफ बढ़ा दी। क्या वाकई इसकी इतनी रेंज है, जबकि ये भी हमारी जैसी ही घड़ी है, जोलिया ने हैरान होकर कहा। ये वाकई हमारी जैसी है लेकिन इसमें मौजूद सेल की ताकत हमारी वाचेस के सेल से ज़्यादा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि सफदर की वाच 2 माह पहले बेकार हो गई थी और सफदर ने यह नई वाच हासिल की थी। क्यों सफदर, इमरान ने घड़ी को गौर से देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन इमरान साहब इस पर फ्रीक्वेंसी कैसे एडजस्ट हो सकती है, इसका राब्ता तो इस जैसी वाच से ही हो सकता है, सफदर ने हैरान होते हुए कहा। सब कुछ हो सकता है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने उसका विंड बटन खींचकर उसे आहिस्ता से दबाया और फिर उसने डायल पर मौजूद सुइयों को घुमाना शुरू कर दिया। जब दोनों सुइयां 12 के हिस्से पर पहुंचकर मिली तो घड़ी के डायल पर सुर्ख रंग का नुक्ता तेजी से जलने बुझने लगा। हेलो हेलो SOS, हेलो हेलो SOS ओवर, इमरान ने घड़ी को मुंह से लगाकर बार बार कॉल देते हुए कहा। वो काफ़ी देर तक कॉल देता रहा, फिर अचानक नुक्ता एक धमाके से मुसलसल जलने लगा। हेलो, ट्रांसटी फिशिंग ट्रॉलर से कप्तान अलेक्जेंडर बोल रहा हूँ। SOS कॉल कहाँ से की जा रही है? ओवर, एक मतम सी आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने जवाब में उसे टापू के महल वकू के बारे में तफसील बता दी। हमारी मोटर लॉन्च तबाह हो गई है और हम यहाँ फंस कर रह गए हैं, हमारी मदद की जाए। हमारा ग्रुप 2 औरतों और 8 मर्दों पर मुश्तमिल है। ओवर, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। आप वहीं रुकें, हम आपके पास आ रहे हैं। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने मुस्कुराते हुए विंड बटन प्रेस करके घड़ी वापस सफ्तर को दे दी। इसमें जनरल फ्रीक्वेंसी भी है, हैरत है मुझे तो आज तक मालूम नहीं हो सका था। सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। आज तक ज़रूरत जो नहीं पड़ी, हर ट्रांसमीटर में ये सिस्टम मौजूद होता है। जब दोनों सुइयाँ 12 पर इकट्ठी की जाएँ तो जनरल फ्रीक्वेंसी ओपन हो जाएगी और ट्रांसमीटर की मखसूस रेंज में जो ट्रांसमीटर भी ओपन होगा उस पर कॉल नशर हो जाएगी, इमरान ने कहा तो सफदर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमारे बच निकलने की राह पैदा कर दी है, ये उसका खास करम है, सफदर ने कहा। असल में मायूसी गुनाह है, आदमी अगर मायूस हो जाए तो फिर उसका जहन वाकई काम करना छोड़ देता है, इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। और फिर तकरीबन निसफ घंटे बाद उन्हें दूर से एक बड़ा ट्रॉलर नुमा स्टैमर आता दिखाई देने लगा और थोड़ी देर बाद ट्रॉलर टापू के करीब आ गया और इमरान और उसके साथी ट्रॉलर पर सवार हो गए। आप तो एशियाई हैं, इधर कैसे आ निकले? कप्तान अलेक्जेंडर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हम बाचांस से नवाजी जा रहे थे कि तूफान में हमारी मोटर बोट फंस गई और हमें बड़ी मुश्किल से टापू पर पनाह लेनी पड़ी। आप हमें नवाजी पहुंचा दें, आपकी मेहरबानी, इमरान ने कहा तो अलेक्जेंडर ने इस बात में सर हिला दिया और ट्रॉलर तेज़ी से मुड़कर उस तरफ को बढ़ता चला गया जिधर से आया था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीघर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।